बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे टेस्ट क्रिकेट भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है कि लास्ट डे तक प्रोडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है आ, कल तक इंग्लैंड हॉट फेवरेट थी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए लेकिन इन दी एंड इंडिया ने एक रन से ये मैच अपने नाम कर लिया है आ, कल तक इंडिया के सिर्फ 154 फिफ्टी रन की लीड थी और उनके छः खिलाड़ी आउट हो चुके थे और सिर्फ एक ही प्रॉपर बल्लेबाज पिच पर मौजूद थे वो थे ऋषभ पंत और डे फाइव के दस मिनट के अंदर अंदर ही इंग्लैंड ने ऋषभ पंत को आउट कर लिया था लेकिन उसके बाद क्या शानदार एटीन नाइन रन की पार्टनरशिप रही बिटवीन शामी और बुमराह और एंड पे सुकून से खेल कर इंडिया ने डिकलेर किया और एक पहाड़ जैसा हदफ दे दिया इंग्लैंड को और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर 200 से ऊपर कोई भी टारगेट होगा तो वो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा और ये तो ढाई सौ से भी ऊपर हो गया था सो so, एक ऐसी बैटिंग पिच जिसपे भुमरा और शामी आउट नहीं हो सके और उन्होंने 89 नाइन रन की पार्टनरशिप खड़ी कर दी उस उस बैटिंग ट्रैक पे उसी सेम दिन इंग्लैंड 120 पे ऑल आउट हो गया सारा का सारा प्रेशर इंग्लैंड के ओपनर्स ने डाला था जो कि दो रन पे दोनों ही पवालियन लौट गए बगैर कोई रन बनाए और उसके बाद टाइम टू टाइम विकेट्स गिरती रहीं गिरती रहीं हालांकि जोय रोट ने फिर से कोशिश की कि वो एक अच्छी बड़ी इनिंग खेले लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद लाइन लग गई आखिरी 24 ओवर जब रह गए थे तो बटलर की और दूसरे एंड पे जिमिसन की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चली थी और 9 ओवर बच गए थे तो लग रहा था कि तीन विकेट सभी अभी भी हैंड हैं और शायद इंग्लैंड ये ड्रॉ कर जाए इंडियन टीम पैनिक होने ही वाली थी कि बैक टू बैक विकेट्स गिर गई आके तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद सिराज की और उन्होंने पहले भी उन्हें हैट्रिक गैप है, फिर आके दो कट्ठे विकेट्स दिलवा दी और फिर लास्ट विकेट भी खुद ही ली सो so, वेल्डन well सिराज बेहतरीन आपने टीम इंडिया के लिए परफॉर्म किया इस सीरीज़ में और ओवरऑल भी आप काफ़ी अच्छा टैलेंट नज़र आए इंडिया इस विक्ट्री को सदियों याद रखने वाला है और लॉर्ड्स पे हमेशा ही जो फतेह होती है वो यादगार फतेह कंसीडर की जाती है और अभी भी तीन टेस्ट मैचेस बाकी हैं सो uh, so, ये टेस्ट चे, टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये मैचज़ लेट्स सी कि इंडिया इसी मोमेंटम को कैरी करता है या इंग्लैंड कम बैक करता है इंग्लैंड चार दिन तक इस टेस्ट मैच पे uh, हैवी था और हॉट फेवरेट था लेकिन इन दी एंड लास्ट डे में इंडिया ने कैसे बाजी पलटी uh, टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी है सेम uh, पाकिस्तान वैसे वेस्ट इंडीज़ मैच में भी हुआ था uh, एकदम जब टारगेट 168 का था तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान ये डिफ़ेंड करेगा पाकिस्तान ने बहुत खूब डिफेंड किया लेकिन एक आखिरी विकेट दो कैचेज़ ड्रॉप होने की वजह से पाकिस्तान नहीं ले सका और वैसे वो मैच जीत गया था सो टेस्ट क्रिकेट इस वक्त ऑन पीक है और मज़ा आ रहा है देख सो uh, इंडिया so, अच्छा चैलेंज देगा और ये सीरीज़ अपने नाम करेगा और इंग्लैंड की जानब से भी हमें इन फ़ाइट देखने को मिलेगी अच्छे टेस्ट मैचेस देखने को मिलेंगे मजदीद अपडेट्स के लिए मुल्तान टीवी वी सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में